Friends, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Rudhi Agrawal and I'm here with the part 2 of JIPMER English Practice. तो कल हमने कुछ spotting errors के rules पढ़े थे. आज हम कुछ जो commonly हमारे idioms और phrases, जो कहावतें, जो मुहावरे use हम करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. इस type के questions आपके exam में आ भी सकते हैं. इसका meaning बताओ, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. So पहला है all in all. All in all का मतलब होता है whole and soul. किसी भी चीज़ का पूरा करता धरता जो चीज़ होती है वो. जैसे the district magistrate is all in all in the district. तो जो district magistrate है वो इस district का पूरा करता धरता है, all in all है. Then at sixes and sevens. At sixes and sevens का मतलब होता है in disorder. जो भी चीज़ disorder में है, order नहीं है, सब कुछ उतल पुतल हो रहा है, उसको बोलते हैं. Like your children came into my room and left all my books at sixes and sevens. जैसे तुम्हारे बच्चे मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरी सारी बुक्स को तहस नहस कर दिया, इधर से उधर कर दिया. Then next is add fuel to fire. Add fuel to fire का हिंदी में हम जो कहावत बोलते हैं वो होती है कि आग में घी डालने का काम करना. So to make the matter worse, किसी ने कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा worse बना दिया, और भी ज़्यादा बुरा बना दिया है, तो उसको हम बोलते हैं add fuel to the fire. जैसे the officer was already very angry but the discourteous answer of Ramesh added fuel to fire. तो officer already जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में था, ऊपर से रमेश ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो वो और भी ज़्यादा आग में घी डालने वाला काम हो गया. Then next is at one's wit's end. तो at one's wit's end मतलब totally confused या perplexed, जो एकदम बिल्कुल confusion में है उसको हम बोलते हैं at one's wit's end. Like the thieves were at their wit's end when they saw the police coming. जब जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा तो वो एकदम कंफ्यूज हो गए थे कि ये कैसे हो गया. देन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन. तो इन दोनों का मतलब एक ही है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोल सकते हैं या फिर बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब लड़ाई का कारण, किसी के मतभेद का कारण जो होता है, कॉज ऑफ क्वारल वो होता है. तो इसमें हम कैसे बना सकते हैं, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो कश्मीर जो है वो या तो बोन ऑफ कंटेंशन बोल दो उसको, या फिर एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. Then next is at daggers drawn. At daggers drawn मतलब open enmity, मतलब line खींच दी है और हम मतलब लड़ने के लिए तैयार हैं. Bitter enemies जो होते हैं एकदम बहुत ज़्यादा, उनको बोलते हैं. Like राणा प्रताप and अकबर were at daggers drawn with each other. तो एक दूसरे के एकदम बिल्कुल तलवार साध के खड़े हुए थे कि हम तो है ना लड़ेंगे एक दूसरे से. ओपन मतलब ओपनली किसी के प्रति गुस्सा दिखाना, एनिमिटी दिखाना, दुश्मनी दिखाना. Then नेक्स्ट इज एन एप्पल ऑफ वन्स आइज. तो किसी आँख, किसी की आँख का तारा जो हम हिंदी में बोलते हैं वो होता है एन एप्पल ऑफ वन्स आइज, बहुत ज़्यादा डियर है. जैसे सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज इन एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई. तो किसी कोई भी नाम हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा होते हैं या जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने माँ बाप की आँखों के तारे होते हैं. नाउ एन एक्स टू ग्राइंड. एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है पर्सनल एंड टू सर्व. लाइक पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब खुद का मतलब साधना. तो लोग उन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं जो सिर्फ खुद का मतलब साधते हैं. तो पर्सनल एंड टू सर्व. नाउ अ बेड ऑफ रोजेज. अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है क्वाइट कम्फर्टेबल, जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, बहुत कम्फर्टेबल हो, उसको हम बोलते हैं बेड ऑफ रोजेज. ये तो गुलाब का बिस्तर है. नाउ द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज. तो पी एम की जो पोस्ट है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं है, वो बेड ऑफ थॉर्न्स है, उसमें कांटे ही कांटे लगे हुए. देन नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बुश. बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश. सो टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड अबाउट वे. एक किसी पॉइंट पे हमें आना है लेकिन हम उस पे नहीं आ रहे हैं, उसका पूरा पूरा गोल 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 घूम के उस पॉइंट पे आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बीट अबाउट द बुश. नाउ इसको हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं सेंटेंस में, कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश. तो मेन पॉइंट पे आओ, जो है इधर उधर की बातें मत करो. नेक्स्ट इज बर्ड्स ऑफ अ फैदर. बर्ड्स ऑफ अ फैदर मतलब पीपल ऑफ द सेम नेचर, बोलते हैं ना हम हिंदी में कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो चीज़ हो गई बर्ड्स ऑफ अ फैदर. लाइक रमेश एंड सुरेश आर बर्ड्स ऑफ अ फैदर. इस तरह से हम इसको सेंटेंस में बना सकते हैं. देन बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब या तो इस तरीके से या उस तरीके से. तो हुक बाय हुक बाय क्रुक, मैं ये चीज़ लेके रहूँगा या रहूँगी. तो बाय एनी मीन्स, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोऊंगी या खोऊंगा. देन नेक्स्ट इज बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स. बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, कोई भी चीज़ आप इरेगुलर तरीके से कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स. देन महेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही स्टडीड बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो महेश जो है एग्जामिनेशन में फेल हो गया, क्यों? क्योंकि उसने फिट्स और स्टार्ट्स से पढ़ाई करी थी.
नेक्स्ट इज ब्रेक द आइस. ब्रेक द आइस मतलब ब्रेक द साइलेंस. किसी भी दो लोग जो है एक साथ बैठे हुए हैं या एक साथ खड़े हुए हैं तो उन लोगों के बीच में या एक साथ मिले हैं पहली बार तो एकदम से कुछ बोलते नहीं है ना, तो कोई एक जब बोलता है तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक द आइस. नाउ व्हेन ऑल वर साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस. तो जब सब लोग बहुत टाइम से चुप बैठे हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं ही बोलना चालू करूँ. नेक्स्ट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब अ ग्रेट शॉक. जब आपको बहुत बड़ा शॉक लगता है तो उसको हम बोलते हैं एकदम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आया. हिज मदर्स अनटाइमली डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. तो उनकी मम्मी की डेथ हो गई तो उसकी वजह से वो उनके लिए एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक बहुत बड़े शॉक की तरह आया. देन नेक्स्ट इज बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से तरक्की करना या कुछ भी करना, बहुत तेजी से कोई चीज करना उसको बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स. सो इंडिया इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स. देन ब्लैक शीप. ब्लैक शीप इज एन अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप. तो किसी भी ग्रुप में कोई इंसान जो हम नहीं चाहते कि इस ग्रुप में रहे तो उसको हम बोलते हैं ब्लैक शीप. सो ही इज द ब्लैक शीप ऑफ आर ग्रुप. ऐसे देन बेल द कैट. बेल द कैट मीन्स टू लीड इन डेंजर. बेल द कैट मतलब होता है जैसे सपोज करो चूहों की एक फौज को हमने बोल दिया कि जाओ बिल्ली के जो है घंटी बांध के आओ, तो वो चीज़ वो नहीं कर सकते ना, तो डेंजर हो और उस समय आपको लीड करना हो तो उसको हम बोलते हैं बेल द कैट. लाइक एवरी स्टूडेंट डिसलाइक्स द न्यू प्रिंसिपल बट नोबडी इज रेडी टू बेल द कैट बाय टेलिंग हिम सो. तो हर कोई स्टूडेंट जो है वो नए प्रिंसिपल को डिसलाइक करता था लेकिन कोई भी जो है कैट को बेल नहीं करना चाहता था उसको ये बता के, ठीक है, कि डेंजर में खुद को ही डाल दे वो. देन नेक्स्ट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. तो खुद की ही पीपड़ी बजाते रहना उसको हम बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट. टू स्पीक बोस्टफुली अबाउट वन सेल्फ हमेशा खुद की तारीफ करते रहना. देन कॉक एंड बुल स्टोरी. कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब फॉल्स स्टोरी, कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना के और बता देना उसको हम बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी. द टेल ऑफ हिज हीरोइज्म इज नथिंग बट अ कॉक एंड बुल स्टोरी. तो जो अपनी जाबाजी की दास्तां सुना रहा है वो और कुछ नहीं एक फॉल्स स्टोरी है. देन क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब टू फील सॉरी फॉर द पास्ट. तो जो पिछले आपने कुछ काम किए हैं या कुछ चीज़ की है तो उसके लिए आपको सॉरी फील हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. एक और चीज़ है इसमें क्राई फॉर द मून. तो क्राई फॉर द मून मतलब इम्पॉसिबल चीज़ की विश करना, जो आपके पास हो ही नहीं सकती है उस चीज़ की विश करना उसको हम बोलते हैं क्राई फॉर द मून. देन नेक्स्ट इज कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर मीन्स टू बी सक्सेसफुल. बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना उसको हम बोलते हैं कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स. लाइक मीरा कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स आफ्टर हर रिजल्ट. देन इनफ एंड सो स्पेयर. इनफ एंड सो स्पेयर मतलब प्लेंटी, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इनफ एंड सो स्पेयर. लाइक विनोद इज ओनली सन ऑफ अ रिच फादर एंड सो ही हैज मनी इनफ एंड टू स्पेयर. तो ये है कि जो विनोद है वो अपने अमीर बाप का इकलौता बेटा है और उसके पास इतनी मनी है कि वो बहुत सारी मनी है उसके पास, प्लेंटी ऑफ मनी है. देन नेक्स्ट इज फेदर इन वंस कैप. तो फेदर इन वंस कैप मतलब न्यू अचीवमेंट वन में राइटली बी प्राउड ऑफ, यानी कि आपकी जो एक पूरी अचीवमेंट की टोकरी है उसमें एक और नया अचीवमेंट मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेदर इन वंस कैप. देन फूल्स पैराडाइज. फूल्स पैराडाइज मतलब फुलिश होप. जिस चीज़ की आपको होप नहीं करनी चाहिए, एकदम बेकार होप है उसके लिए आप होप कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं फूल्स पैराडाइज मतलब कि बेवकूफ का स्वर्ग. देन नेक्स्ट इज फ्लैश एंड ब्लड. फ्लैश एंड ब्लड मतलब ह्यूमन काइंड. सो नो फ्लैश एंड ब्लड कैन बियर इन इंसल्ट टू हिज एल्डर्स. तो कोई भी ह्यूमन काइंड मतलब कोई भी एक जीता जागता इंसान जो है जो अपने एल्डर्स की बुराई नहीं सुन सकता, एल्डर्स की इंसल्ट नहीं सुन सकता. देन नेक्स्ट इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स मतलब टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स आर इन ट्रबल. तो जब दूसरे लोग ट्रबल में हैं तब हम प्रॉफिट बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स. नाउ गो बैक ऑन वंस वर्ड. गो बैक ऑन वंस वर्ड मीन्स नॉट टू फुलफिल वंस प्रॉमिस. तो खुद का प्रॉमिस जब हम नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं गो बैक ऑन वंस वर्ड. देन नेक्स्ट इज गो थ्रू फायर एंड वाटर. गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब सब तरह की तकलीफों से होके गुजरना, टू पास थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ हार्डशिप्स. देन नेक्स्ट इज हार्ड नट टू क्रैक. हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ डिफिकल्ट टास्क टू डू. तो आपको कोई ऐसी टास्क, कोई ऐसा काम दे दिया जाए जो आपसे नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसको बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक. लाइक कुकिंग इज अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी. नाउ यू एंड क्राई. यू एंड क्राई मतलब ग्रेट नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना उसको हम बोलते हैं यू एंड क्राई. सो दे रेज अ यू एंड क्राई व्हेन दे सॉ द टेररिस्ट इन द हाउस. तब उन्होंने देखा कि आतंकवादी उनके घर में घुसा है तो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगे, हो हल्ला करने लगे. देन नेक्स्ट इज इन द निक ऑफ टाइम. निक ऑफ टाइम मतलब जस्ट एट द राइट टाइम, एकदम सही टाइम पे हो जाना. लाइक वी ऑल रीच द स्कूल एट द निक ऑफ टाइम. बस बेल बजने ही वाली थी, इतनी देर में हम वहाँ पहुँच ही गए. देन
नेक्स्ट इज किथ एंड किन. किथ एंड किन मीन्स रिलेटिव. जो आपके रिलेटिव होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, उसको हम बोलते हैं किथ एंड किन. सो वी मस्ट डिपेंड अपॉन आर किथ एंड किन इन आर डिफिकल्टीज. तो हमारी जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम अपने रिश्तेदारों पर डिपेंडेंट रहते हैं. नाउ कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर टू कीप अवे स्टारवेशन. यानी कि जो स्टारवेशन है उसे दूर रखना, उसको बोलते हैं कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर. देन कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. यानी कि टू मेंटेन लाइफ. यानी कि बॉडी और सोल उसको एक साथ रखना, यानी कि अपनी लाइफ मेंटेन करके रखना. देन नेक्स्ट इज लायंस शेयर. लायंस शेयर मतलब लार्जेस्ट शेयर. किसी भी चीज़ का हिस्सा बांटा जा रहा है. सपोज करो केक बांटा जा रहा है और एक इंसान को ज़्यादा उसमें मिल गया तो उसको बोलते हैं हम लायंस शेयर. देन लाफ इन वंस स्लीव्स मीन्स टू लाफ सीक्रेटली. बहुत चुपके से आप हंसते हो कभी कभी किसी चीज़ को लगे, किसी और को पता नहीं चले कि हम हंस रहे हैं, उसको बोलते हैं लाफ इन वंस स्लीव्स. देन मेन ऑफ स्ट्रॉ. मेन ऑफ स्ट्रॉ मतलब ऐसा इंसान जिसकी कोई सोशल पोजिशन है ही नहीं. देन नेक्स्ट इज मैन ऑफ आयरन विल. यानी कि अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल. अनयील्डिंग जो होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा जो है खुद में मोटिवेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति जिसकी होती है उसको हम बोलते हैं मैन ऑफ आयरन विल. देन मेक बोथ एंड्स मीट. मेक बोथ एंड्स मीट मतलब टू मीट वंस एक्सपेंसिस विद डिफिकल्टी. मतलब आप अपना खर्चा बहुत मुश्किल से उठा पा रहे हो उसको हम बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट. इसमें बोथ एंड्स क्या होते हैं, हाथ और मुंह. मतलब आपके हाथ में खाना है लेकिन आप मुंह तक नहीं लेके जा रहे हो, जा पा रहे हो, वो चीज़ है कि आप खाना नहीं खा पा रहे हो, अपने एक्सपेंसिस नहीं उठा पा रहे हो, बहुत डिफिकल्टी हो रही है आपको अपने खर्चे उठाने में. देन मैन ऑफ लेटर्स. मैन ऑफ लेटर्स मतलब अ लिटररी पर्सन या एक स्कॉलर जो होता है, एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है उसको हम बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स. देन निप इन द बर्ड. निप इन द बर्ड मतलब टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगनिंग. मतलब जैसे सपोज करो कोई फूल है तो वो जब कली वाले स्टेज में होता है जब ही उसको ख़त्म कर देना. तो किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग में ही ख़त्म कर देने का मतलब होता है निप इन द बर्ड. देन ऑफ नो अवेल. ऑफ नो अवेल मतलब जो चीज़ यूजलेस है. मतलब मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी बट वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो वो चीज़ है. देन पार्ट एंड पार्सल. पार्ट एंड पार्सल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही असेंशियल पार्ट जो होता है किसी चीज़ का उसको बोलते हैं पार्ट एंड पार्सल. लाइक कश्मीर इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, इस तरह से. नेक्स्ट इज स्टॉर्म इन अ टी पॉट. तो टी पॉट में स्टॉर्म आना मतलब अ क्वारल फॉर नथिंग. किसी बिना बात के लड़ाई करने को हम बोलते हैं अ स्टॉर्म इन द टी पॉट. नेक्स्ट इज स्प्लिट हेयर्स. स्प्लिट हेयर्स मतलब टू गो इन टू माइन्यूट डिटेल्स. बिल्कुल किसी चीज़ की बारीकी में जाना उसको हम बोलते हैं स्प्लिट हेयर्स. देन स्पिक एंड स्पैन. स्पिक एंड स्पैन मतलब नीट एंड क्लीन. कोई भी चीज़ एकदम साफ सुथरी रखी हुई है, जैसे रेस्टोरेंट दैट लुक्स स्पिक एंड स्पैन अट्रैक्ट्स मोर कस्टमर्स. तो वो चीज़ हो गई नीट एंड क्लीन. नेक्स्ट इज थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन. किसी के ऊपर पानी फेंक देना मतलब टू डिस्करेज. किसी को एकदम डिस्करेज कर देना उसको बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना उसकी आशाओं पर पानी फेर दिया, वो चीज़ है. देन टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल मीन्स विद फुल फोर्स या वेरी फियर्सली. बहुत पूरी ताकत से हम किसी चीज़ को जो है अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही दम लगा के, तो उसको बोलते हैं टूथ एंड नेल. देन टू एंड फ्रो इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. आगे पीछे करना, टू एंड फ्रो करना किसी चीज़ को, वो होता है. देन नेक्स्ट इज विन लॉरल्स. विन लॉरल्स मतलब टू गेन ऑनर. आपको कोई जो है अचीवमेंट प्राप्त हुआ है या कोई आपको किसी ने ऑनर दिया है तो उसको हम बोलते हैं कि उस ही हैज़ बिन लॉरल्स इन हिज लाइफ. देन वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर मतलब डेप्रिसिएशन बाय कॉन्स्टेंट यूज़. किसी चीज़ का आप लगातार यूज़ कर रहे हो और वो चीज़ घिसती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, उसको हम बोलते हैं वियर एंड टीयर. इसके साथ एक और होता है व्हील एंड वू. व्हील एंड वू मतलब होता है प्रॉस्पैरिटी एंड एडवर्सिटी. व्हील मतलब प्रॉस्पैरिटी और वू मतलब एडवर्सिटी. मतलब ये नेगेटिव चीज़ हुई और प्रॉस्पैरिटी अच्छी चीज़ हुई, व्हील अच्छी चीज़ हुई. देन योमैन सर्विस. योमैन सर्विस मीन्स एक्सीलेंट सर्विस, बहुत अच्छी सर्विस देना. लाइक इंडिया इज डूइंग योमैन सर्विस इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस इन दी वर्ल्ड. तो इंडिया एक बहुत अच्छी सर्विस कर रहा है जिससे जो वर्ल्ड है उसमें शांति आ सके. ठीक है, तो ये थे कुछ idioms एंड phrases जिनके मीनिंग आप लोगों को पता होने चाहिए. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ prepositions की बात करेंगे और उसके बाद हम antonyms और synonyms की भी बात करेंगे और फिर हम कुछ questions जो हमारे जिपमर के previous year papers में जो आए हैं English के उन्हें भी solve करेंगे और उसी के साथ आपके सारे lectures जो हैं complete हो जाएंगे. सो मैं होप करती हूँ कि आपको सारे idioms और phrases समझ में आ गए होंगे. तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा. आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो. इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.